हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं कि पाक मीडिया जो है इट्स क्राइंग। क्यों? क्योंकि पाक की मिसाइल हिट्स इट्स ओन न्यूक्लियर सेंटर। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और इसीलिए कह रहे हैं कि उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ लॉन्च, क्योंकि उनका गोल था अपने न्यूक्लियर सेंटर को उड़ाना, वो उड़ नहीं पाया। वो भी वहां भी फेल हो गए। वहां फेल हो, कुछ तो ठीक कर लिया करो। चलो शुरू करें। वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देख ही लो क्या बना। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में परमाणु संयंत्र में भीषण धमाका हुआ और धमाका इतना जबरदस्त था कि 50 किलोमीटर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। लेकिन इसके पीछे वजह क्या रही? आखिर ये धमाका कैसे हुआ? पाकिस्तान इसको छुपा रहा है। क्यों छुपा रहा है? छुपा रहा है, ये इधर की ये दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के दक्षिणी इलाके में स्थित डेरा गाजी खान जिले में भयानक विस्फोट की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ये विस्फोट पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने के बहुत पास हुआ है। पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क बन चुका है। कोई भी कुछ भी वहां पर करने को उतारू है, कोई भी सेफ नहीं है। आज जो हुआ वो पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के लिए भी डरावना है, जितना पाकिस्तान के लिए है। वहां परमाणु हथियार जहां रखे हुए हैं, धमाका हो गया। इतना नुकसान हुआ ये तो अभी साफ नहीं है, किसी को पता नहीं। धमाका जोरदार था और वहां अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान में पंजाब के डेरा गाजी खान इलाके में ये भयानक विस्फोट हुआ। आवाज 30 से 50 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी सुनाई दी। पाकिस्तान के डेरा गाजी खान इलाके में सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है। डेरा गाजी खान में जो भी हुआ है उसकी अफवाहें, उसकी खबरें दूर दूर तक पहुंची हैं और हर तरफ चर्चा हो रहा है कि जनाब ये क्या कर रहे हैं। अब देखिए, हम अमेरिका में बैठे हैं, हमें ये खबर जो है पहुंच गई। इसकी वजह ये कि इस किस्म की सनसनीखेज किस्म की खबरें जो है ना देर से पहुंचती हैं, लेकिन सोशल मीडिया तो भर चुका था इन खबरों से। हमने कहा जरा पहले पता कर लिया जाए क्या होया कीजिए। डेरा गाजी खान में धमाका होता है, धमाके से मेरा मतलब ये है, आप कुछ गलत मतलब मत लीजिएगा, यानी एक आवाज सुनाई देती है, ऐसा महसूस होता है कि वहां पर एक धमाका हुआ, एक एक्सप्लोजन होता है। और कहा यह जा रहा है कि 50 किलोमीटर तक ऐसा सुनाई दिया और लोग हड़बड़ा के खड़े हो गए कि ये हुआ क्या। अच्छा, उसके कुछ देर के बाद कई तरह की चीजें चलना शुरू हो गई। मतलब ये कहा गया कि पायन ए किन्ने हमला कर देता जे, वो वही जो पहले एक मिसाइल उड़ता उड़ता आया था कहीं वहीं से, कोई वहां पे कोई सफाई तो नहीं हो रही थी हथियारों पे और मिसाइलों पे टाकी मारी जा रही थी, तो सफाई के दौरान एक किसी और ने भी गलती कर दी और एक होर उड़ता उड़ता तीर जो है एथे आगे पे है। विस्फोट पंजाब प्रांत के डेरा गाजी खान इलाके में हुई है, जहां पाकिस्तान का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। सबसे बड़ा है। पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र के पास हुआ धमाका इतना भयानक था कि उसकी आवाज 50 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इस धमाके के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इस धमाके पर सफाई आई है, जबकि कमिश्नर डीजी खान ने धमाके की खबर से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये कोई धमाके की आवाज नहीं, बल्कि यहाँ से फाइटर जेट गुजरने की आवाज थी। फाइटर जेट गुजरने की आवाज कैसे होती है? पागल है क्या? अफगानिस्तान के हालात भी कैसे हैं कि भाई वो तो किसी भी वक्त कुछ भी चीज उठा के मार दे, पता ही ना चले। जो जैसी जैसी धमकियां वो दे रहे हैं, वो आपको पता है ना, वो स्टानिक जई नाम भी अजीब सा है, तो उन्होंने तो बकायदा कहा है कि भाई मुंह संभाल के बात करो, जरा जुबान जो है वो संभाल के बात करो, होते कौन हो तुम लोग ये वाली बात करने वाले? तुम लोगों से ना अपनी इकोनॉमी संभाली जा रही है, ना अपनी सिक्योरिटी संभाली जा रही है, हमें दे दो, हमें कहो, हम संभाल देते हैं। तो वो तो ये बातें कर रहे हैं, जब वो ये बातें कर रहे होंगे और बात गालम गलूच तक पहुंचे, जाहिर है कि फौरी तौर पर ऐसी कोई आवाज आएगी तो लोग सोचेंगे कि ये क्या हो गया कि अफगानिस्तान ने हमला तो नहीं कर दिया, या फिर ये कि उधर बॉर्डर पार से कोई जो है मिसाइल तो नहीं आके गिरा। तो सर मसला ये है कि इस तरफ से जो है, यानी पाकिस्तान की तरफ से, तो आपको पता ही है फेंकना है किसी की तरफ, वो सीमा कहीं दौड़ी दौड़ी चली जाए, बस वही हो सकता है। तो हुआ कुछ यूं है, तो जनाब हुआ कुछ यूं कि सबसे पहले डेरा गाजी खान के कमिश्नर ने ये ऐलान किया कि ये क्या हुआ है। उन्होंने जो बताया क्या वो बात सही है, या उसके बाद क्या कुछ होने की खबरें हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। पहले आप ये कमिश्नर साहब जो है जरा इनकी बात सुन लें, इन्होंने क्या कहा फौरी बात के, जनाब ये क्या हुआ है। डॉक्टर नासिर महमूद बशीर, कमिश्नर डीजी खान आपसे मुखातिब हूँ। आज डीजी खान शहर और इसके गर्द नवा में धमाके की एक जोरदार गूंज 12 बजे दोपहर सुनाई थी। धमाके की यह आवाज लड़ाका तैयारी के साउंड बैरियर ब्रेक करने की वजह से पैदा हुई।
तमाम सिक्योरिटी एजेंसी और यानी शाहिदीन ने डीजी खान में किसी भी किस्म की कोई बॉम्ब ब्लास्ट धमाका या हादसे की अफवाह को अक्सर मुस्तरद किया। मुतलका इदारों का कहना है कि डीजी खान और इसके गिर्द नवा में किसी भी जगह ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, लिहाजा अवाम अफवाहों पर कान न धरें। मामूल की गश्त के दौरान लड़ाका तैयारों की जानिब से साउंड बैरियर ब्रेक करना एक मामूल का अमल है। शुक्रिया। ये जनाब जो इन्होंने ये बात साउंड ब्रेक है कि साउंड बैरियर्स ब्रेक हुए सर, मतलब? हम कौन से बैरियर्स ब्रेक करते हैं, वो तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पे तो साउंड बैरियर्स ब्रेक हो गए। वो कोई शाहीन मिसाइल का टेस्ट वेस्ट वो हो रहा था, तो वो बस कहीं कोई गलत हो गया या सही हो गया, तो वो बैरियर्स ब्रेक हो गए। इस तरह की खबरें भी चलती रही। फिर ये भी जो है वो कहा जाता रहा कि ये इस तरह की खबरें दरअसल जानबूझ के दी जा रही हैं ताकि जो है वो रास्ते से हटाया जा सके, यानी ये कहा जाए कि ये हो रहा है तो असल में वो नहीं हो रहा था। अच्छा, फिर ये भी कहा गया कि हुआ ये कि वहाँ पर तो ड्रोन के जरिए हमला किया गया, इसकी वजह ये कि वहाँ पर जो है वो तो आपको पता है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो मतलब एटॉमिक कमीशन, तो फिर वहाँ पर जहाँ पर ऐसी जो है आपकी कोई एसेट होगा, कोई ऐसी जगह होगी, कोई ऐसा शहर होगा इतना अहम, तो उसकी तो वहाँ पे ऐसी कोई खबर होगी तो दूर दूर तक जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ये तो जनाब ड्रोन से जो है वो किसी ने कर दिया अटैक, हमला कर दिया उस जगह पर, और पता नहीं कितने लोग मारे गए या क्या हो गया। ऐसी ऐसी खबरें चलती रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, बस बता रही बताऊँ किस तरह बताऊँ। अच्छा, फिर ये हुआ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर तो कोई टेस्ट हुआ है किसी उसका, तो मतलब बता दें इसमें ऐसी क्या बात है भाई कि भाई वो क्या हो गया, इतने टेस्ट होते रहते हैं, फेल नहीं हो सकते, इतने बड़े बड़े टेस्टों में आप फेल हो गए, दुनिया के इतने बड़े बड़े टेस्टों में फेल हो गए, तो छोटे मोटे मिसाइल के अगर उसमें हो गया तो कोई बात नहीं, बता दें, लेकिन ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ और है तो वो भी बता दें, वो नहीं बता सकते। पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि यह विस्फोट परमाणु ठिकाने के अंदर हुआ है, वही पाकिस्तानी मीडिया अभी तक इसका खंडन कर रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि यह पाकिस्तान की विस्फोट को छुपाने की साजिश हो सकती है। कई लोगों ने ट्वीट करके परमाणु ठिकाने के पास विस्फोट की पुष्टि की है। अभी तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की, तो कुछ हो तो जिम्मेदारियां मिनटों में कबूल होती है, ऐसी कीता लो आ जाओ सामने, आ जाओ ऐसी कीता, जो करना कर लो। सबसे पहले तो लोग ये कहते हैं आके, खासतौर पर टीटीपी वाले और ये जो दहशतगर्द हमले हैं, फौरन की जिम्मेदारी कबूल, कभी बलोच की किसी उसने कर ली कबूल, तो कभी टीटीपी ने कर ली कबूल, फौरी तौर पर जो है वो बकायदा लिख के जो है उन्होंने, लगता है अपने हमारा मीडिया क्या होगा, जो इन लोगों का मीडिया फौरी तौर पर प्रेस रिलीज आ जाती, हमें कोई प्रेस रिलीज बनानी पड़ी तो हमें पता नहीं कितने घंटे लग गए, लेकिन वो फौरी भेज देते, ऐसा जबरदस्त मीडिया इन दहशतगर्दों ने रखा हुआ है। तो जनाब हुआ कुछ यूं कि अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने क्लेम नहीं की, तो इससे पता ये चल रहा है कि या तो ये है कि कुछ भी नहीं हुआ है, और कुछ नहीं हुआ, अपनी वैसे तो देखिए अगर धमाका होता है ये लोग मरते हैं तो खबरें निकल ही जाती हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि खबर ना निकले, तो अब ये होया की है, और अगर तो किसी ने कोई आकी वाकी फेरते हुए सफाइयां करते हुए किसी से गलती से, तो हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर ली जाए, लेकिन इस बार नहीं क्लेम होगी क्योंकि एक मरतबा हो चुके होंगे, नहीं उन छुपा लियो, तो पहले भी ऐसा कुछ हुआ है, तो ऐसा कुछ वैसे भी दो दिन के बाद हमें पता चला था, ये फौरी तौर पर पता चल गया। अच्छा, होता ये है कि जब धमाके होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में तो जो भी जिस शहर में भी धमाका होता है तो उसमें होता क्या है कि फौरी तौर पर जो एम्बुलेंसेज और गाड़ियां जो है उस तरफ जाना शुरू हो जाती है, कुछ इस तरह की फुटेजेस चल रही है, हमें ये नहीं पता मुझे कि वो रियल फुटेज है या फेक, क्योंकि आपको पता है आजकल तो फेक फौरी तौर पर वायरल हो जाता है, लेकिन वहां पर कोई ऐसी यानी पिक्चर्स या वीडियो सामने नहीं आई जिससे पता चले कि जी कोई जख्मी हुआ, लेकिन खबरें ये सब कुछ चल रही हैं। सर बात दरअसल ये है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं। भाई इनके बड़े बड़े शहर को, मतलब कौन सा बड़ा शहर है तुम्हारा, इनके पास कोई कंटेंट नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कुछ नहीं था, ये ऐसी आ गई घसीट दिया है कि बात को चार बार बोलकर कुछ पता नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं। और कोशिश इसकी ये थी ये दिखाने की कि भैया ये उड़ती हुई अफवाहें होंगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, अंदर से तो ये बोलने का मन था, पर व्यूअर्स जो है इंडियंस है इसलिए वो बेचारी लोगों को साउंड आ जाती है 50 किलोमीटर तक आवाज जा रही है, तुम्हें इतनी अकल नहीं है, बहुत बड़ा कोई धमाका हुआ है। उनकी फिलॉसफी ये थी कि देखो भैया ब्लास्ट हमारे होते रहते हैं, सिर्फ साउंड बैरियर जो था वो इस बार टूट गया था, इससे तुम्हारे तक आवाज पहुंच गई। पता नहीं क्या बोले, साउंड बैरियर का मतलब ये है कि जहां पर भी मैं करता हूँ उसके अराउंड मैंने एक बहुत बड़े वॉल्स बना रखे, समझ लीजिए वॉल्स है उस टाइप का बना रखा है कि
आवाज जो है बाहर ना जाए। तो वो कैसे टूट गया? क्योंकि साउंड वेव है, साउंड वेव को ब्लॉक करने के बहुत बैरियर कैसे टूटा? अगर आप बहुत बड़ी वॉल्स बना दें और अंदर विस्फोट करें तो आपको ज्यादा आवाज नहीं जाएगी क्योंकि आपने साउंड बैरियर लगाया। साउंड बैरियर अगर मैं हटा दूं फिर करूं तो दूर दूर तक आवाज जाएगी। तो वो कह रहे हैं बस यही हुआ था, हमारा साउंड बैरियर हिल गया था, अदरवाइज हम वो एक्सरसाइज करते रहते हैं, हमारा न्यूक्लियर प्लांट है, हम वहां पे करते रहते हैं। फिर बात आई थी शाहीन 3 की, नहीं फिर बोलते हैं कि हमारा एयर जेट का जा रहा था उसकी आवाज, एयर जेट की उसका साउंड बैरियर कहां था पता नहीं। ये एयर जेट की ऐसी आवाज होती है धमाके जैसी, क्या बेवकूफ बना रहे हैं। 50 किलोमीटर दूर एयर जेट की आवाज, इतनी पुलिस और ये सब जो जा रही थी गाड़ियां, इतनी गाड़ियां और जो लोग आसपास के होंगे उनको नहीं सुनाई दिया होगा, उन्होंने नहीं देखा होगा, समथिंग फिशी कुछ गलत था। ये जैसे कह रहे हैं शाहीन 3 जाके वहां गिरी है और वो कह रही है कि भैया मैंने भी इंडिया का साथ देना है, भारत का साथ देना है, ये इतने गंदे लोग हैं इनको मैंने खत्म करना। इसमें एक बात क्लियर होती है, चाहे देश के पास पैसा नहीं है कि वो खाना खा सके, मगर इन कामों के लिए पैसा है। बिल्कुल, ये पूरा इनका दिख रहा है मेंटालिटी किस टाइप की है, उनकी आवाम मरती है मर जाए पर हम, मगर हम ये चीज जरूर करेंगे। इन्होंने मिसाइल टेस्ट की है और मिसाइल जाके वहीं फुट है। अनबैलेंस जो देश होता है उसका यही होता है, उसे समझ नहीं आता कि सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगा उनका, खुद ही हो चुका है। नहीं खुद ही बोल रही है, इसे इन्होंने ये बोला कि ऐसा पहले भी हो गया कि सफाई करने वाला कोई सफाई करते करते कुछ ज्यादा ही सफाई कर गया, जैसे इंडिया वालों ने की थी सफाई, हमने ब्रह्मोस में भी सफाई की, जैसे हमने सफाई की थी और उस सफाई करने के बाद वो देख के आए थे एक दिन पहले वो कश्मीर फाइल्स, उसको एक बटन दिखा उसने कहा साफ किया, चलो चेक कर लेता हूँ, पुक और वहां से झर। तो इसने कहा, ये शहीन वाली ने कहा कि भैया वो ब्रह्मोस तो बेचारा सिर्फ पूरा कर नहीं पाया था, उसका अधूरा काम मैं पूरा करूंगा। तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।